नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। सवाल, कार्रवाई कब? मेरे पीछे आप देख सकते हैं बाकायदा बैकग्राउंड में कई तस्वीरें उभर रही है और वहां पर सवाल है कि आखिर कार्रवाई कब होगी। हमारे साथ कुछ यूं होता है कि हमने मुहिम छेड़ी भ्रष्टाचार के खिलाफ, मुहिम उस मुद्दे पर छिड़ी जिस मुद्दे पर अमूमन बात नहीं होती थी। भले ईमानदार सचिव साहब एक्शन न लें, लेकिन हमारे छोटे छोटे प्रयास थोड़े बहुत असर तो दिखा रहे हैं। अब देखिए, सरायकेला से हमने एक बहन की खबर दिखाई थी, उनका नाम था शाहिना परवीन, और हमारी खबर का असर हुआ है और असर यह हुआ है कि कोपाली की शाहिना परवीन की जमीन के मामले में अब एसपी मोहम्मद अर्शी ने चांडिल एसडीओ को जमीन दिलाने का आदेश दिया है। दंडाधिकारी उपलब्ध कराकर उन्हें जमीन दिलाने का आदेश दिया गया है और चांडिल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी धीरेंद्र बंका ने फोन पर यह जानकारी दी है। हमने यही बैठ करके वादा किया था कि शाहिना जी, आप जाकर के बाकायदा सरायकेला एसपी से मिलिए, आप जाकर के अनुमंडल पदाधिकारी से मिलिए, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से मिलिए, आप जाकर के, और कैमरे में उनके रिएक्शन कैद होंगे। और अब हमारी खबर, हमारी मुहिम का असर देखिए कि शाहिना परवीन की जो जमीन है वो जमीन उनको वापस मिलने की दिशा में एक कदम तो उठाया गया है। एसपी ने ही इनिशिएशन किया है, एक इनिशिएटिव लिया है कि शाहिना परवीन को उनकी जमीन वापस दिला दी जाए। तो एक बहन को कम से कम इंसाफ मिलता नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको ये दिखा रहे हैं। हमारी मुहिम भ्रष्टाचार के खिलाफ जारी है, हम लगातार भ्रष्टाचार के मामले उजागर कर रहे हैं और शाहिना परवीन जो हैं उन्हें इंसाफ मिलने की दिशा में एक कदम उठाया जा चुका है। सरायकेला की यह खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां न्यूज 11 भारत की खबर का ये असर हुआ है। पुलिस प्रशासन कुछ मदद नहीं, हम बाहर जाते हैं जैसे कि रांची से ऑर्डर लेकर के आए या और कहीं से ऑर्डर लेकर के, जैसे कि रांची से हम गए थे उस समय अर्जुन मुंडा थे वहां गए थे, राजपाल सिंह पास गए थे आए, और कहीं से हाँ कोर्ट के 3 डिग्री मिली है, फिर भी घर खाली नहीं। वहाँ से आते हैं थाना में, आते हैं थाना वाला डरा धमका के हम लोग को भगा देता है, दबंग का साथ दे रहा है, दबंगगिरी है। शाहिना परवीन के पति का यह भी कहना था कि मुझको उस घर से बेदखल कर दिया गया है, इनके लिए चूंकि वो रैयती मामला है, रैयती प्राइवेट पार्टी का मामला है, उसके लिए वो सक्षम न्यायालय में गए हैं, उनको एक्सक्यूशन केस में जाना चाहिए मेरे विचार से, क्योंकि ये विधिक मामला है और ये बिटवीन प्राइवेट पार्टीज का मामला है, तो इसमें इस संबंध में मेरे द्वारा किसी प्रकार का कमेंट किया जाना उचित नहीं है। परवीन हमारे साथ फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। मैंने ऑन स्क्रीन परसों हमारी बहन को कहा था कि न्यूज 11 आपकी लड़ाई लड़ेगा और शाहिना जी आपकी लड़ाई न्यूज 11 लड़ रहा है। देखिए, पहला कदम हमारी जीत का नजर आ रहा है, अब हमारी मंजिल दूर नहीं है, आपकी जमीन आपको वापस मिलेगी। अब कैसा लग रहा है शाहिना? लग रहा है सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। आप लोग को हम रोम रोम धन्यवाद कर रहे हैं, इसलिए कि 11 साल से कुत्ते कुत्ते कोर्ट कचहरी थाना पुलिस से कहीं से नहीं, आज आपकी मदद से, आप लोग की सहयोग से आज हमारी संपत्ति हमको मिलते हुए दिखाई दे रही, मेरा खुशी का तो ठिकाना नहीं है। वो आप लोग के रोम रोम हम आपको धन्यवाद और आपकी आभारी हैं। अच्छा शाहिना जी, आप मिलने के लिए गई थी सबसे, और उसके बाद रिएक्शन क्या मिला, लोगों ने आपसे क्या कहा? अगर आपने डीसी से मुलाकात की हो, एसपी से मुलाकात की हो, आपने किससे किससे मुलाकात की, उन लोगों ने क्या कुछ कहा? नहीं, एसपी साहब से तो मिले, तो सिर्फ हम एसपी साहब से मिले, एसपी साहब बोले कि आपका उसी पर जो ऑर्डर हुआ है उसी पर आपका कार्रवाई किया जाएगा, और एसपी साहब और हमसे कोई बात नहीं कर पाए, कोई बात नहीं की, बोलिन के जाइए आपका हो जाएगा, बस इतना बोलिन। अच्छा, उन भूमाफियाओं ने जिन्होंने आप पर आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उनकी तरफ से आपको कोई संदेश आया या फिर घूस? नहीं, अभी तक तो कोई संदेश नहीं आया सर, और कहीं से कोई कॉल नहीं आया। घूस मांगने वाले पिंटू ने कॉल किया? नहीं नहीं, किसी ने नहीं किया। तो अब अच्छा लग रहा है, अब तो आपको परेशानी नहीं है सर? बहुत अच्छा, 11 साल के तपस्या के बाद ये फल मिला है, तो इसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। मैंने कि
हम बता भी नहीं सकते हैं। आप निश्चिंत रहें, न्यूज 11 भारत तब तक आपकी लड़ाई लड़ेगा जब तक आपको इंसाफ नहीं मिल जाता, आपकी जमीन आपको वापस नहीं मिल जाती। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मगर अब हम आपसे हाथ जोड़ते बिनती एक प्रार्थना और कर रहे हैं सर, कि जैसे हमको इतना दिला दिया वैसे थोड़ा सामान पर भी ध्यान दे दीजिए सर, इसलिए कि हम लोग घर से बस एक एक जोड़ा कपड़ा पहन करके निकले, और उन लोग बेदर्दी लोग ये भी नहीं बोला कि हाँ एक चादर या एक गमछा या एक रुमाल भी तो तुम लोग अपना घर से अपने लिए ले लो। हम लोग कई दिन स्टेशन में गुजारे हैं, आपका सामान वहीं पर है। अपना दुपट्टा पर सोलाए हैं, अपने आप को दामन में समेट करके बैठे रहते थे। आपका सामान उसी घर में है? सब टोटल सामान, टोटल ए टू जेड। जैसे कोर्ट जाते हैं एक जोड़ा कपड़ा पर एक वो फाइल लेकर के, वैसे ही हम रांची गए थे अपने दादी से देखने मेडिकल में, आए तो बस एक जोड़ा कपड़ा पर, और बाकी हम लोग कुछ भी नहीं लिए, वो मोबाइल नंबर डायरी तक नहीं लिए, सारा सामान है। अब ना उन लोगों ने कभी कहा कि हाँ एगो सूटर साल, एगो गमछा, तौलिया, लुंगी, चड्डी, कुछ भी तो तुम लोग घर से ले लो, कुछ नहीं लेने दिया। अच्छा। और बिल्कुल हमको दौड़ा दौड़ा करके जहाँ शास्त्री नगर जाते थे वहाँ फोर्स आदमी को 10-15 ठो को लेकर के आ जाता था, जुगसलाई रहते थे तो यहाँ मारने के लिए दौड़ाने के लिए तो बहुत दूर दूर तक हम लोग भागे। चलिए तो साइना जी भागे, कभी रांची से फिर धमकी दिया तो संबलपुर भागे, फिर वहाँ से धमकी दिया तो सरजू भागे, सब जगह का मेरे पास टिकट। साइना जी मेरी बात सुन लीजिए एक बार, कुछ नहीं करना है, हमारा जो संवाददाता है न्यूज 11 भारत का वो आपके साथ जाएगा, आप कोपाली ओपी जाएंगी कल, और कल जाकर के आप कहेंगी कि आपको उस घर से सामान लेना है, ओपी के पुलिस वाले आपके साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, जो भी होगा वो कैमरे में कैद होगा, कैमरे के सामने आप जाकर के कल और सारा सामान लेके आएंगे उस घर से। बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए साइना जी बहुत शुक्रिया आपका भी, आपको इंसाफ के लिए, हर झारखंड वासी को अगर उसके साथ ना इंसाफी हुई है तो उसकी लड़ाई न्यूज 11 भारत लड़ेगा। बहुत शुक्रिया साइना जी।